यहाँ पे देखिए गाइस कितनी बारिश शुरू हो चुकी है, जोर की पहले बहुत जोर की आंधी उठी थी, हवा उठी थी, लेकिन हवा रुक चुकी है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए पूरा घर अंधेरा अंधेरा लग रहा है और यहाँ पे दोनों बच्चों ने शावर ले लिया है, रेडी है ये लोग और खेलना स्टार्ट कर रहे हैं कैरम। बारिश का मजा लेते हुए कैरम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो एक और न्यू ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे सब वहाँ पे नाश्ता वगैरह करके लूडो खेल रहे हैं, पहले कैरम बोर्ड खेले थे अब लूडो खेल रहे हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए अभी जस्ट पूजा किया है और यहाँ पर देखिए मेरी पूजा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आप भी दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। और बाकी यहाँ पर देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, पूरा बादल लगे हुए हैं। मैंने जल्दी पूजा कर ली क्योंकि तेज ऐसा लग रहा है कि तेज बारिश शुरू होने वाली है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। यहाँ पे गाइस देखिए इस रूम का बेडशीट मैंने चेंज कर दिया और मीठी को मैंने बोला पिल्लो में कवर लगाने के लिए, तो इसका मैचिंग पिल्लो कवर की जगह ये कवर लगा दी। पता नहीं इसको क्या मन हुआ, नया वाला कवर लगा दी। चलो कोई बात नहीं, दो तीन दिन के बाद तो फिर चेंज होगा ही। तो यहाँ का बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ का ही बेडशीट मैंने चेंज किया, लेकिन रेयांश और मीठी ने मिलकर देखिए क्या किया बेडशीट का। और ये बास्केट में लेकर बैठी हूँ रेयांश का, इसको क्लीन करूँगी ऑर्गेनाइज करूँगी। एंड आज सुबह से लाइन जो है वो कटी हुई है, इन्वर्टर है वो भी कहीं ख़त्म ना हो जाए। जैसे जगह जनरेटर चल रहा है उसी की आवाज़ आ रही है। एंड अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे देखिए 1:30 बज रहे हैं, लंच का टाइम हो गया है। बनाने वाली हूँ पराठा और साथ में परवल आलू की दम सब्ज़ी। मैं बना चुकी हूँ, सिर्फ पराठा गर्मा गर्म बनाऊँगी, सबको सर्व करूँगी। मीठी कर रही है बाहर में स्टडी, उसका होमवर्क वगैरह आता है मोबाइल में तो वो होमवर्क कर रही है यहाँ। और मेरे हस्बैंड और रेयांस दोनों गया हुआ है मार्केट, रेयांस को कॉपी लेना है, कुछ पेंसिल वगैरह लेना है और क्या है चार्ट पेपर। उसका समर वैकेशन मंडे से स्टार्ट हो चुका है, उसको समर वैकेशन का होमवर्क वगैरह मिला हुआ है। होमवर्क जो है अलग कॉपी में बनाना है, समर वैकेशन का जितना भी होमवर्क है ना उसको न्यू कॉपी में अलग कॉपी में बनाना है, हाउसवर्क या डब्ल्यू वाला कॉपी में नहीं बनाना है। होमवर्क वगैरह मिला हुआ है तो जितना भी वैकेशन का होमवर्क वगैरह है वो अलग कॉपी में न्यू कॉपी में बनाना है। वो कॉपी लाने के लिए गया हुआ है और उसको पेंसिल लेना है, चार्ट पेपर लेना है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी पूरा करना है उसका, तो उसी के लिए वो मार्केट गया हुआ है। अभी आएगा तब मैं लंच दूंगी सबको। रेयांश की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, उसका मतलब फीवर अप एंड डाउन हो रहा है, सर्दी कफ खांसी वगैरह बहुत है, मेडिसिन वगैरह चल रहा है। वीक में तो 3 दिन स्कूल गया है। बिजली गरजने की आवाज़ आ रही है, फिर से बारिश होने की आशंका है। हर स्टाइल मार रख दो बेटा, शाम में ना उठना ना सोकर, तब उसके बाद होमवर्क अपना कंप्लीट करना। अभी वहां पर रखो, वहां नहीं ऊपर में रखो, ऊपर में मम्मा कितना अच्छा से सब साफ कर दी। अब तुम क्या किया, टॉवेल हटाओ वहां से, सब हटाओ। ये सब अच्छा रहता, हम ले लेते हैं। हाँ मिठी, पापा के साथ बाइक पे जाना ना तो पहन लेना, धूप में फिर सनग्लास चाहिए ना। येलो वाला रेयांश का मैं दोनों, तुम दोनों चश्मा लेगा, येलो वाला तुम्हारा, येलो वाला ना पसंद, येलो वाला ही बहुत अच्छा है, ट्रेंडिंग में है येलो रेड ग्रीन। सो गाइस हम लोग का लंच हो चुका है, सभी ने लंच कर लिया है। अब जो है लंच करने के बाद कुछ मीठा बनता है, मीठा में हम लोग खाने वाले हैं मेरा फेवरेट। मिठी को नहीं मिलेगा, रेयांश लेगा एक बाइट। आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं है, हमको भी देगी। तुम कहाँ बैठा है बेटा, घुलटेगा तो लगेगा। हेलो उसको सेकंड टाइम बोलते थे, देखो भाई पापा रहे तो एक गाना गाते, भाई बहन का प्यार कैसे करके गाना है। अभी खाना खाया ना, उतरो जल्दी जल्दी उतरो, इतना प्यारा तो भाई है।
ये गंदी लड़की है ना। हाँ हेलो 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 और यहाँ पे कर रही है मिठी अनी से बात होमवर्क के बारे में। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ रियांश को नैप दिलवाने के लिए, 10 मिनट इसके साथ रेस्ट करूंगी। अभी टाइम खेलने के लिए बात, अभी खेलने का टाइम नहीं है, अभी खेलने का टाइम नहीं है। मेरा बेटा जो बड़ा हो गया, मम्मा गोदी में नहीं आता है। यहाँ पे गए देखिए 3 बज गया और ये रियांश अभी तक घूम रहा है। लो 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 मोबाइल लेके चलो, मम्मा आ गई। हाय मिठी, हाय हाय, मैं कहते हैं मम्मी दोनों बजे सोने के इसी क्या कर रही हो? गाइस कुछ कपड़े जो है धूप में से मैंने उतार कर लिया है। और यहाँ पे मिठी कर रही थी ड्राइंग, उसका फेवरेट सीरियल देने लगा जीजाजी छत पे, तो वो देखने के लिए चले गई। फिर वो अपना ड्राइंग कंप्लीट करेगी। यहाँ पे हल्का स्केच वो करके रखी हुई है और कुछ कपड़े यहाँ पे उतार के ले आई है मिठी। पे छत पर है वो अभी सूखे नहीं है। गाइस शाम हो चुकी है और जस्ट मैंने मेरे आँख को फेस किया और मैं आ गई उसके लिए दूध लेने के लिए। दूध वगैरह दूंगी, फिर दवाई दूंगी, वो थोड़ा देर खेलेगा, उसका फिर मैं उसे स्टडी करवाऊंगी। और रोटी मैंने बना लिया, वो नैप ले रहा था, मैंने रोटी बना लिया। रोटी जैसे मैंने बनाया कंप्लीट किया, किचन वगैरह मैंने क्लीन किया। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ मैंने क्लीन कर दिया है और जैसे क्लीन किया वैसे रियांश उठ गया, तो उसे मैंने फ्रेश वगैरह कर दिया। मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ, जा रही हूँ उसे दूध वगैरह पिला दूंगी, उससे फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होंगी और उसका अभी शाम बात दे दूँगी। 3 8 24 3 9 27 3 10 30 मीठी गई हुई है मार्केट शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड लेकर गए, वो अकेले नहीं गई है। एक्चुअली उसे स्पोर्ट्स शूज लेना है, वो ऑनलाइन भी सिलेक्ट करके रखी हुई है ढेर सारा। एंड मैंने बोला कि तुम ऑफलाइन भी देख लो, अगर वहाँ भी पसंद आ गया तो ले लेना, नहीं पसंद आया तो फिर ऑनलाइन ले लेना। एंड कुछ कुछ और सामान वगैरह लेना है उसे, तो इसलिए वो गई हुई है शॉपिंग करने के लिए। और मैं नहीं गई क्योंकि रियांश की तबीयत ठीक नहीं है और बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है, तो फिर मार्केटिंग करने में मन नहीं लगता, शॉपिंग वगैरह करने में जल्दबाजी रहती है, कब घर जाऊँ कब घर जाऊँ, इसलिए मैं बोली कि तुम चले जाओ पापा के साथ, आराम से रिलैक्स होकर शॉपिंग करके आना, जो जो खरीदना है। 7:30 बजने जा रहे होंगे, अभी तक आए नहीं है वो लोग। मार्केटिंग करने में आराम से 2-3 घंटा 4 घंटा तो लग ही जाता है। डॉक्टर के यहाँ भी गए हुए हैं मेरे हस्बैंड, एक्चुअली रियांश के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेना था, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई वगैरह जो चेंज करना होगा चेंज कर देंगे डॉक्टर। वॉक हो चुका है मेरा और 10-15 मिनट में करूँगी। चलो बेटा नैप, चलो अब चलो, अब थक गया ना।